नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर जनपद में छात्रों के झगड़े बातचीत से नहीं बल्कि तमंचों से सुलझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में दो छात्रों के ग्रुप में झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच गोलियां चली जिसमें एक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो छात्रों के ग्रुप में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पहले विवाद के चलते दोनों ग्रुप के बीच जमकर मारपीट हुई, फिर बाद में बाइकों पर सवार होकर कई अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर युवक की हत्या कर दी। हत्यारोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना पर एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला थाना कोतवाली शहर के आईटीआई क्षेत्र का बताया जा रहा है। शाम को बस अड्डे पर एक लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद ये करके उठा के लाए थे। क्या ये मामला उससे भी जुड़ा हुआ है? कितने लड़के थे गोली चलाने में? किससे आए थे? कितने लोग घायल हुए उसमें गोली चलाने कांड में? कौन कौन घायल हुए? सूचना प्राप्त हुई थी कि दो लड़कों का ग्रुप है जिन्हें आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई है, उसमें दो लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति को यहाँ लाया गया, जिसका नाम आसू अहलावत है, जिसके यहाँ अस्पताल में मृत्यु हो गई है। परिजनों से पूछताछ की गई, जो साथ में लड़का था उससे पूछताछ की गई है, तो कुछ लड़कों के नाम बताए गए हैं। तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, टीम लगा के अब इसी के दिन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। अच्छा, आज जो है बस अड्डे पर जो है कम से कम तीन बाइकों द्वारा, छह लड़के थे या सात लड़के थे, इनके द्वारा एक लड़के को मतलब जबरन बाइक पे बैठाल कर जो है किडनैप करने का भी मामला आया, और साथ ही साथ वो दीपेंद्र डॉक्टर के सामने गिरा भी है। वो सीसीटीवी में कैमरे में कैद भी हो सकता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है उनको भी दिखवाएंगे, और जो भी घटना हुई उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। कुछ जिला अस्पताल पे भी कोई बाइक जो है फायरिंग वाला कुछ मामला भी आज संज्ञान में आया, कुछ ऐसा सुनने में आया? ऐसा हमारी तरफ से अभी मैंने इंस्पेक्टर से पूछा था, इस तरह की कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी हम इसमें जानकारी करेंगे जिस प्रकार की भी घटना होगी उसमें सक्सेस। वक्त हो चला है आप सभी लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।